चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एस्टेट की पीजीटी परीक्षा आज। पीजीटी परीक्षा में बैठेंगे 3,05,717 अभ्यर्थी। नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए शिक्षा बोर्ड ने कसी कमर। हाईटेक्निक सुविधाओं से लैस कंट्रोल रूम में लगाई 44 स्क्रीन। आज और कल दो लेवल में परीक्षा होगी। आज 215 परीक्षा केंद्रों पर 60,794 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के दौरान स्टेशनरी फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्र से 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। तो आज और कल दो लेवल में परीक्षा होनी है, एचटेट की पीजीटी परीक्षा, और इसी लेकर तैयारियां आज की गई हैं। नकल रहित, पूरी तरह से नकल रहित परीक्षा कराने की कोशिश। पीजीटी परीक्षा में 3,05,717 अभ्यर्थी बैठेंगे और नकल रहित परीक्षा करानी बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा बोर्ड के कंधों पर है, जिसके लिए कमर कस ली है। हाईटेक सुविधाओं के साथ में कंट्रोल रूम में 44 स्क्रीन लगाई गई है। सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जा रही है। आज और कल दो लेवल में परीक्षा होगी। और आपको ये भी बता दें कि दरअसल 215 परीक्षा केंद्रों पर 60,700 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा आज देंगे और कुछ अभ्यर्थी कल देंगे। साथ ही जो एहतियात बढ़ते हैं नकल रहित परीक्षा कराने के लिए, कि जो परीक्षा केंद्र है उसके परिधि में 200 मीटर के परिधि में कोई स्टेशनरी की दुकान नहीं खुली रहेगी। यहां पर फोटोसेट की दुकानें बंद रहेंगी। धारा 144 लगाई गई है, यानी कि कहीं पर भी 4 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी रहेगी। धारा 144 लगाई गई है, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रहेगी और पूरी तरह से जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो यहां पर की गई है। परीक्षा केंद्रों के तो लोगों को मंडराने नहीं दिया जाएगा। पूरी तरह से यहां पर नकल रहित परीक्षा कराने की कोशिश की जा रही है आज शिक्षा बोर्ड की ओर से, और इसके लिए पूरा हाईटेक सुविधाओं के का भी सहारा लिया जा रहा है। तो एस्टेट की पीजीटी परीक्षा आज होने वाली है, 3 बजे परीक्षा की शुरुआत होगी। उससे पहले पूरी तैयारियां शिक्षा बोर्ड की ओर से की जा रही है। करनाल में किस तरह की तैयारी है, परीक्षा केंद्र के बाहर से जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग ने। पूरे हरियाणा में 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करवाई गई है। इस समय हम करनाल में एक परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े हैं। करनाल में आज 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और हर परीक्षा केंद्र पर करीब 310 से ज्यादा अभ्यर्थी बैठते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए कल सुबह जो परीक्षा आयोजित की जा रही है, जो सुबह 10 बजे शुरू होगी, उसमें 31 सेंटर करनाल जिले में बनाए गए हैं और उसके बाद शाम के समय जो 3 बजे परीक्षा होगी कल, उसमें 16 सेंटर बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी बात यह है कि होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। सभी अभ्यर्थियों का होम डिस्ट्रिक्ट आया है, लगभग सभी का होम डिस्ट्रिक्ट आया है। और किसी तरीके की आने जाने में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट में तो कोई परेशानी नहीं है, जल्दी से पहुंच जाते हैं अपने सेंटर पे। ये एक रहता है कि कोई पेपर कैंसिल ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये टेंशन लगातार बनी रहती है? तो बनी रहती ही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ग्राउंड पर रहेगी ताकि कोई भी अभ्यर्थी नकल करता हुआ ना पकड़ा जाए। इसके अलावा आज लेवल 3 की परीक्षा है, जिसके अंदर लेक्चरर नियुक्त होते हैं। उसके बाद लेवल 2 की परीक्षा होगी और कल शाम के समय एक और परीक्षा आयोजित की गई है। उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरीके की कोई नकल की बात सामने नहीं आएगी, पेपर लीक की बात सामने नहीं आएगी, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर इस समय प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी इस परीक्षा को आयोजित करवाने में जुटे हुए हैं। खबरें अभी तक के लिए करनाल से, हिमांशु नारंग।